I am Vishal Tiku. I am a B.Tech in Civil Engineering from National Institute of Technology, Srinagar. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी 2018 में. मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल कालूचक जम्मू से की है. एक्चुअली मैं पला बड़ा, पैदा और पला बड़ा जम्मू में ही हूँ. जम्मू इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, मेरे पापा बिजनेस मैन है और मेरी मदर एक होम मेकर है और मेरा एक यंगर ब्रदर है, तो वो इस टाइम पे 12th क्लास में है, जो कि इस टाइम पे स्टडी प्रस्यू कर रहा है अपनी 12th क्लास में. जहां तक रिवीजन करने का बात है और फॉर्मूला का बात है, मेरे ख्याल से हम जो भी पढ़ते हैं, जैसे हमने सॉम पढ़ लिया, सॉम का टेस्ट दे दिया, उसके बाद ऑफकोर्स हम कोई ना कोई अलग सब्जेक्ट ही पिकअप करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने फ्लूइड मैकेनिक्स उठा लिया सिलेबस, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सॉम को साथ साथ में बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है. सॉम को फिर भी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, थोड़ा देर सॉम को ना बस रिवाइज कर लिया. जैसे हम एक हफ्ता फ्लूइड मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए एक आधा दिन में, किसी भी दिन में 2-3 घंटा, सिर्फ 2-3 घंटा सॉम को उठा के रिवाइज कर लिया. वैसा फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, टेस्ट दे दिया, उसके बाद जियो टेक्निकल मान लीजिए उठा लिया, तो जियो टेक्निकल के उस सिलेबस कंप्लीट करने की जर्नी में एक आधा दिन में 3-4 घंटा बस फ्लूइड को उठा लिया. तो ऐसे साइकिल बनाते बनाते चलेंगे. अगर साइकिल बनाते बनाते चलेंगे तो कोई भी चीज जो है ना, वो हमें मतलब पुरानी नहीं लगती है, वो चीज हमेशा फ्रेश लगती है. बेसिकली माइंड का भी ऐसा है कि माइंड आपने पढ़ा होगा, नो डाउट आपको याद भी होगा, आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चीज रहेगी, लेकिन हम लोग ऐसा रहता है, सेल्फ डाउट रहता है कि नहीं हम वो चीज भूल गए हैं. तो उस चीज को बस फ्रेश रखना है, मोटिव है फ्रेश रखना उस चीज को. आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स या ऐसा कोई 2-3 पेज में एक सब्जेक्ट का सिर्फ फॉर्मूलाज लिख लीजिए, तो उस चीज को बस रिवाइज करते जाइए. कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी है, जैसे ऐसा भी रहता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम बोर हो जाते हैं उस एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते. थोड़ा टाइम में उठा लिया सॉम के फॉर्मूला उठा लिए, तो उसको याद कर लिया एकदम से, तो थोड़ा चेंज भी हो जाता है, इंसान बोर भी नहीं होता और वो चीज जो है फ्रेश रहती है बिल्कुल. मतलब साइकिल में चीजें रहेंगी तो फ्रेश रहेंगी बिल्कुल आपके दिमाग में, वो चीज है. और रिवीजन की स्ट्रेटजी आप क्या बताएंगे, मतलब लास्ट जैसे 3 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, 1 मंथ की? बिल्कुल लास्ट 2-3 मंथ्स में तो मैं रिकमेंड करूंगा, पहले तो सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद शॉर्ट नोट्स या फिर शॉर्ट फॉर्मूलाज बना लिया अलग से. अगर किसी को शॉर्ट फॉर्मूलाज अलग से बनाना पसंद नहीं है, तो हाईलाइट कर लिया कहीं ना कहीं नोट्स पे, हाईलाइट कर लिया. इसमें भी अपना अपना जैसा जिसको पसंद आता है, हाईलाइट कर लिया या अलग से शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूलाज का अलग से 2-3 पेजों में, क्योंकि एक सब्जेक्ट 1-2 पेजों में निपट जाता है उसका फॉर्मूलाज, तो वो सब बना के उसको याद करते जाना है. याद करते जाएंगे तो चीज बिल्कुल एट द एंड बिल्कुल दिमाग में रहती है. और एट द एंड तो बिल्कुल मॉक टेस्ट देते रहें, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से एकदम इंसान उस एनवायरनमेंट में बिल्कुल फिट बैठता है. एग्जाम के एनवायरनमेंट में इंसान पूरा फिट बैठता है, तो एट द एंड लास्ट डे पे गेट का जिस दिन एग्जाम है, तो उस दिन आसानी रहती है, बिल्कुल इंसान रिलैक्स रहता है और कॉन्फिडेंट रहता है.